सबसे पहले आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति से जिन गांवों को आज बचाव हो रहा है, उन सभी ग्रामवासियों को 146 परियोजनाओं के लोकार्पण और 170 परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि इस पर लगभग 1800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च किया जा रहा है। मुझे याद है 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी तो 40 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ के लिए अति संवेदनशील और संवेदनशील माने जाते थे, जिनमें 24 जनपद अति संवेदनशील थे और 16 जनपद संवेदनशील श्रेणी में रखे गए थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहले ही वर्ष मुझे दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। राहत सामग्री के रूप में कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। बाढ़ बचाव के लिए क्या कार्य योजना है इसका कहीं अता पता नहीं था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश की जनता को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव करने के लिए राज्य सरकार ने समय से अस्थायी समिति की बैठकों को संपन्न करना, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना को न केवल बनाना बल्कि उसे लागू करना और पूरी जवाबदेही के साथ जो कार्य संपन्न हुए, आज उसका परिणाम है कि इस वर्ष 146 परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं और 170 नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य यहां पे प्रारंभ हो रहा है। बाढ़ बचाव के लिए हम लोगों ने इस दौरान पहली बार राज्य के इतिहास में कुछ नए प्रयोग भी किए, इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए। जनप्रतिनिधियों के साथ जब मेरी अक्सर चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों ने हमारे इस प्रयोग को सराहना भी की और उसे अपने यहाँ लागू करने के लिए भी बार बार इसके लिए आवेदन भी किया, जो हम लोगों ने नदियों की ड्रेजिंग करके नदियों को चैनलाइज करने की कार्रवाई प्रारंभ की। सरयू नदी में, राप्ती नदी में इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए और यही कारण है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान जब हम बाढ़ की विभीषिका की बात करते हैं तो हम जन और धन दोनों की हानि को काफी हद तक रोकने में हमें बड़ी सफलता प्राप्त हुई। यह सब इसलिए संभव हो पाया कि स्थानीय स्तर पर हमारे विधायकों ने, सांसदों ने रुचि ली, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही का परिचय दिया और विभाग के स्तर पर विभागीय मंत्रियों ने, अधिकारियों ने पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, उसका परिणाम हम सबके सामने है। अक्सर बाढ़ की परियोजनाओं के बारे में एक बात कही जाती थी कि ये परियोजनाएं तब प्रारंभ होती हैं जब बरसात शुरू होती थी और बाढ़ के समाप्त होने के साथ ही इन परियोजनाओं को भी समाप्त मान लिया जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने जनवरी में इन कार्यों का शुभारंभ प्रारंभ कर दिया था और आज शिलान्यास के साथ ही ये सभी कार्य प्रारंभ भी होंगे और 15 मई तक हम बाढ़ के बचाव से संबंधित इन सभी 170 परियोजनाओं को पूरा कर सकेंगे।
या जो अधूरी परियोजनाएं हैं उनको भी हम समय से पूरा कर पाएंगे, जिससे इसका लाभ प्रदेश की उन 40 जनपदों की जनता को प्राप्त हो सकेगा जो अति संवेदनशील या संवेदनशील बाढ़ की दृष्टि से हैं। समय से बचाव के किए गए उपाय जनधन की हानि को व्यापक पैमाने पर रोक सकते हैं। जनप्रतिनिधियों की पीड़ा, जो अक्सर बाढ़ क्षेत्रों के दौरे के दौरान मुझे और मेरे सैन्य सहयोगी मंत्रियों को देखने सुनने को मिलती थी, जनता की पीड़ा जो हम अपनी आंखों से उन क्षेत्रों का दौरा करके देखे हैं, महसूस किए हैं, यह निरंतर उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं आज उसका परिणाम है कि काफी बड़े पैमाने पर हमें बाढ़ से बचाव करने के लिए और उससे प्रदेशवासियों को राहत देने में एक बड़ी भूमिका हम सब के सामने आई है। मैं धन्यवाद दूंगा जनप्रतिनिधियों ने जो इसमें रुचि ली, और मैं उन सब से आग्रह भी करूंगा कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में, आपके जनपद में जितनी भी बाढ़ बचाव से जुड़ी हुई परियोजनाएं चल रही हैं, इन परियोजनाओं के समयबद्धता को लेकर, मानक की गुणवत्ता को ध्यान में रख करके हमें विभागीय अधिकारियों के साथ समय समय पर स्थानीय स्तर पर उसका विजिट करना चाहिए और कार्य अच्छे हो रहे हैं तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, और कहीं आपको शिथिलता नजर आती है तो विभाग में इसकी शिकायत करनी चाहिए, स्थानीय स्तर पर प्रशासन से भी इसके बारे में प्रशासन को भी अवगत कराना चाहिए। दूसरा, हर एक जनपद के जिलाधिकारियों का भी दायित्व तो बनता है कि हम उन कार्यों के लिए जो कार्य स्थानीय स्तर पर कन्वर्जेंस के माध्यम से हम कर सकते हैं, इसके लिए शासन की तरफ मुंह लगा करके ताकते न रहें, बल्कि समयबद्ध ढंग से उनकी कार्य योजनाओं को बना करके बरसात के पहले पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि बाढ़ के के कारणों को देखना और समय से उसके निवारण का उपाय भी निकाल देना। आज के दिन पर किसी भी जनपद में धनराशि की कमी नहीं है, कन्वर्जेंस के माध्यम से मनरेगा में भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि है। हम इसका बेहतर उपयोग करके प्रदेश की एक बड़ी आबादी को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं, क्योंकि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के बारे में मेरी मान्यता ऐसी है कि थोड़ा सा बचाव के उपाय हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा लें तो इसका स्थायी समाधान निकाला जा सकता है, और इसके लिए पहल किए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासन, विभाग और आम जनमानस इस चारों एक साथ मिलकर के अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें तो बाढ़ की अस्थाई समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, मैं धन्यवाद दूंगा विभाग को इस बात के लिए कि विभाग ने बाढ़ बचाव के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया है। जगह जगह इसे जियो टैगिंग करना, CCTV कैमरा लगा करके वहां उसकी निगरानी करना और कार्यों को एक निश्चित कार्यक्रम बनाकर समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का जो एक कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबको स्थानीय स्तर पर बाढ़ बचाव के हुए कार्यों के बारे में देख सकते हैं। जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं इससे कई गुना पैसा इससे पहले खर्च होता था, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि योजना समय से बनती नहीं थी, समय से लागू नहीं हो पाती थी, और जब समय से नहीं लागू हो पाती थी तो समय से पूरी भी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण ये मान्यता थी कि बाढ़ की परियोजनाएं बाढ़ आने के पहले बनती हैं और बाढ़ समाप्त होने के साथ ही समाप्त भी हो जाती हैं। आज उस मिथक को विभाग ने तोड़ करके कि नहीं, बाढ़ की परियोजनाएं हम जनवरी से कार्य प्रारंभ करेंगे, 15 मई के अंदर कंप्लीट करेंगे, और 15 मई के बाद बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग करेंगे। जो ये विश्वास है, ये विश्वास आम जनमानस की एक पूंजी बननी चाहिए, हमारे किसानों की एक पूंजी बननी चाहिए, जो
बाढ़ के कारण उसकी फसल को व्यापक क्षति होती थी, इस क्षति से हम उसकी फसल को बचा सकें और उसे सम्मान के साथ जीने का एक अवसर भी हम दे सकें। एक निश्चित चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है और हमें तकनीक का उपयोग करके बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। दूसरा, अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं जब नदियों की ड्रेजिंग होती है तो ड्रेजिंग के दौरान वहां से निकलने वाली बालू को अगर उसी समय विभाग और स्थानीय प्रशासन एक और किनारे फेंकवा दें और उसके बाद उसको टेंडर करके नीलाम करवा दें तो विभाग को एक बड़ी धनराशि उपलब्ध हो सकती है और स्थानीय स्तर पर भी रॉयल्टी के नाम पर कुछ धनराशि जिला प्रशासन को भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में उपलब्ध हो सकता है, जिसका उपयोग स्थानीय स्तर के जनता की जरूरतों को पूरा करने में इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। साथ साथ विभाग का जितना खर्चा ड्रेजिंग में होता है सभी खर्चा इससे निकल सकता है। तीसरा, जब विभाग की बड़ी नहरों की सफाई होती है उन नहरों की सफाई करते समय भी सिल्ट और बालू बड़े पैमाने पर निकलता है, हमें विभाग को समय से एनओसी देने में कोताही नहीं बरतनी होगी। अगर हम समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देते हैं तो इससे जनता को भी राहत होगी और साथ साथ विभाग का जो खर्चा है वह भी बचेगा और जो धनराशि अभी तक विभाग को नहीं प्राप्त हो पाती थी उस धनराशि का भी प्राप्त होने पर बेहतर उपयोग जनहित में किया जा सकता है। यह कुछ कार्यक्रम है जिसपे हमें तत्काल निर्णय लेकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि बाढ़ बचाव के लिए अभी से हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे और अगर कहीं कोई संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे अतिरिक्त धनराशि शासन से आवश्यक है तो विभाग के साथ समन्वय बना करके समयबद्ध ढंग से उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे बरसात के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रदेश का बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा की त्रासदी के प्रति भयभीत न हो। ये भय का माहौल प्रदेश के अंदर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति नहीं होना चाहिए, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए और इसी संकल्प के साथ आज मैं प्रदेश के अंदर बाढ़ से बचाव की 146 परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहा हूं, 170 नई परियोजनाओं के शिलान्यास के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि 170 नई परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेंगी, 15 मई तक इन्हें हम कंप्लीट करके पूरा करते हुए स्थानीय स्तर पर सांसद विधायकों से इनके लोकार्पण की तैयारी भी करवाएं, जिससे वे लोग मौके पे जाकर के देख सकें कि बाढ़ बचाव का कार्य पहले की तुलना में कम पैसा खर्च हो रहा है लेकिन प्रभावी ढंग से एक एक पाई पैसे की कीमत वहां पर जनता की सुरक्षा के रूप में अदा करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये कार्यक्रम हमें निरंतर आगे बढ़ाने चाहिए और मुझे लगता है ये हमारी जवाबदेही भी है और जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उस जवाबदेही को इस रूप में हम वापस कर रहे हैं। ये वहां पर स्थानीय स्तर पर हम लोग दिखाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं जिन गांवों में और जिन जनपदों में बाढ़ बचाव की ये परियोजनाएं आज लोकार्पण की जा रही हैं या शिलान्यास हुई हैं उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विभाग को धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग इस वर्ष बाढ़ जैसी प्राकृतिक त्रासदी से प्रदेशवासियों को बचाने में सफल होंगे, जिससे प्राकृतिक आपदा से बचाव में किसी व्यक्ति का समय खर्च न हो बल्कि वह अपनी आर्थिक समृद्धि और अपने पारिवारिक खुशहाली के लिए अपने श्रम और शक्ति का उपयोग कर सके। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी को मैं हृदय से इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट अपडेट
और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।